तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अबे सो जाओ भाई, तुम सोए रहो। तो हुआ ये कि मतलब आज क्लास से आने के बाद मतलब पीसी चला रहे थे, तो अचानक से जो है ना मतलब पता नहीं क्या अजीब बिहेवियर हुआ। मतलब अचानक से कुछ हुआ, मतलब समझ नहीं आया कि कुछ पॉपअप किया अचानक से, ठीक है। तो हमको पता नहीं क्यों अजीब तरीके से शक हो गया कि यार ऐसा चेक क्यों हो रहा है, मतलब समझ रहे ना। तो उसके बाद मतलब हम सबसे पहले तो टास्क मैनेजर खोले ये देखने के लिए प्रोसेस कौन सा रन कर रहा है। तो उसमें बहुत सारा मतलब एक अजीब अजीब प्रोसेस था, तो लगा कि यार गड़बड़ है कुछ, मतलब प्रोसेस नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मतलब कैसे पूरा समझ गया, एक तरीके से वायरस वायरस का प्रॉब्लम था। तो हम आज यही इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि मतलब वो ऐसा अगर सिचुएशन कभी आए कि मतलब आपका सिस्टम स्लो हो जाए, हैंग कर जाए, या फिर स्वाइप कुछ भी सबूक हो, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारा प्रोसेस हुआ, बहुत देर से लगे हुए हैं इसमें, ये 1-2 घंटा का प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारा दिनों लग सकता है। इस पूरा अगर रिमूवल प्रोसेस कीजिएगा, नॉर्मली तो सलाह होता है कि आप फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, नहीं तो अगर आप फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारा तरीका है। तो अभी हम वही बताएंगे कि कैसे कैसे किए इसमें, पता नहीं क्यों क्वालिटी बकवास आ रहा है। तो पहले तो हम किए क्या किए, हाँ मतलब पता नहीं, पहले हम टास्क मैनेजर शायद देखें, हमको याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर, पहले आपका प्रोसेस पहला यही हुआ कि टास्क मैनेजर खोलें, टास्क मैनेजर कैसे भी खोल के इसमें प्रोसेस देखें, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली प्रोसेस शो कर जाता है मोस्ट मोस्ट ऑफ़ द केस में, हमेशा नहीं करता है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस में जो है सो यहाँ पे कोई ना कोई स्पाईवेयर होगा या फिर किसी इसी तरह का कुछ होगा मालवेयर, तो वो यहाँ पर शो कर देगा कि मतलब वो रन कर रहा है। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसके बाद सीधे क्या बोलते हैं माई पीसी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर पे सेलेक्ट करने के बाद, नॉर्मली ये मेरे में सेलेक्ट है लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो होप आप देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं। अबे यार फोकस फोकस मेरे भाई, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड चेंज प्रोग्राम पे जाइए, अगर विंडोज़ 10 है तो कुछ इस तरीके का खुलेगा। अभी बैकग्राउंड में मेरा प्रोसेस चल रहा है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ये लोड नहीं ले रहा है, मतलब लोड ले रहा है, मतलब लोड ही ले रहा है, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में एंटीवायरस रन कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका जो सारा का सारा ऐप्स है जो आप इंस्टॉल किए हैं वही है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो सस्पिशियस है, जो अगर आपको समझ में ना आए। यार लोड नहीं ले रहा है, पता नहीं मूड सनक रहा है मेरा। 10% हो गया ये, 10%। खैर, तो उसके बाद इसमें आपको चेक करना है कि अगर सारा सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग है या फिर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका नाम हूबहू कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है नेट पे, या तो मैनुअली टाइप कीजिए या फिर सीधे कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो प्रोग्राम किस चीज़ का। अगर वो स्पाईवेयर होगा तो पता चल जाएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर सबसे नीचे जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स आता है, देख रहे हैं ये रहा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, जाइए और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लीजिए कि सभी प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं। चलिए हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरे में है, पहले नंबर पे है Win7GP काम का है, Adobe Acrobat ये सब सब काम का है, ये सब काम का है, फोकस मेरे भाई, ये सब काम का है। तो ऐसे ही आप देखिएगा कि इसमें कोई अनवांटेड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। अगर अनवांटेड हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकता है, मतलब देखिए इतना ही है और है, तो यही सब अनवांटेड चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और जो भी अनवांटेड हो वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा पहले। तो दूसरा बात ये हो जाता है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका प्रोग्राम शो करे, मोस्टली वायरस वहाँ पे नहीं शो करता है, ठीक है। वैसे अगर शो कर दिया तो अच्छी बात है। उसके बाद Windows+R दबाइए, मतलब उसके अगर उसके वो प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, और फोकस Windows+R और यहाँ पे टाइप कीजिए टेम्प, ठीक है। टेम्प टाइप करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए, जैसे कि हम अभी सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ में आ जाएगा कि ये ट्राई अगेन ट्राई अगेन, तो डू दिस फॉर ऑल आइटम करके स्किप कर दीजिएगा और उसके बाद हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो आइटम बच गया ना, ठीक है, जो डिलीट हो गया कोई बात नहीं, जो जो आइटम बच जाता है यहाँ पे हम क्या किए थे फिर से बता देते हैं। विंडोज़ ये रहा कि विंडोज़ Windows+R दबाएं, ठीक है,
एक साथ, तो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, ठीक है, और ये खुला। तो इसको सभी को डिलीट करना है सेलेक्ट ऑल करके, CTRL+A दबा के डिलीट करना है। और अगर ऐसा आए, मतलब ऐसा आएगा ही हमको कंफर्म है, तो यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल आइटम करके स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाने दीजिएगा, जो भी यहाँ पे बच जाए उसका नाम नेट पे सर्च कीजिएगा और पता कीजिएगा वो है क्या। अगर आपको सस्पिशियस लगे तो इसके बारे में रिसर्च कीजिए और उसको किसी भी तरीके से रिमूव करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मोस्टली इसमें काम का ही चीज़ होता है, जो प्रोसेस रन कर रहा होता है वो डिलीट नहीं होता है मोस्टली। तो जो प्रोसेस रन कर रहा होता है उसमें से वायरस भी हो सकता है या फिर मालवेयर भी हो सकता है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको LTF4 से हटाते हैं। नेक्स्ट फिर से हम एक बार Windows+R दबाएंगे, और इस बार जो है ना यहाँ पर टाइप करेंगे %temp%। पता नहीं क्यों आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब बहुत देर बाद। उसके बाद फिर से खुलेगा, और यहाँ पे जो खुलेगा ये दूसरा चीज़ खुल रहा है, बस आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है, और डिलीट करना है। फिर ऐसा आएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो इसको आप कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे, और ये बेसिकली डिलीट कर देगा, ठीक है, सारा डिलीट हो गया। अगर यहाँ पे भी ना डिलीट हो तो उसका नाम नेट पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। जब ये हो जाए और नेट पे सर्च करने के बाद उसके बारे में पता चल जाए, अगर मालिशियस सर उसके अगर वो सॉफ्टवेयर अनवांटेड है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कैसे उसको रिमूव करें। उसके बाद रिसाइकल बिन में या तो आप एम्प्टी पे क्लिक कर सकते हैं, या जो है सो मैनुअली सबको सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मांगेगा और हो गया बेसिकली, ठीक है। मेरे में अब वायरस वायरस नहीं है, तो फिर इसलिए क्योंकि हम बहुत देर लगाए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है कि मेरा जेन्युइन पीसी विंडोज़ नहीं है ना, तो इसलिए इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था कि सेफ मोड में बूट करना है। तो सेफ मोड में बूट करने के लिए आपको जो है ना, मतलब बूट किया ना तो रीस्टार्ट होने के बाद ये बेसिकली फंस गया, मतलब एक तरीके से बीच में ही अटक गया। तो एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम के बाद जो है सो दोबारा से रीस्टार्ट किया, वो अलग प्रॉब्लम है और वो अलग, उसके लिए अलग वीडियो होना चाहिए, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप विंडोज़ है तो आपको बस फिर से जो है सो Windows+R दबाना है, और यहाँ पे टाइप करना है MSConfig, ठीक है। MS सही है ना, देख लीजिएगा एक बार, कितने मिनट का वीडियो होगा भाई, 7:40, MSConfig, ठीक है, और एंटर मार दीजिए। उसके बाद अबे आ जाना भाई, आ जाओ, हाँ गया। तो उसके बाद यहाँ सर्विस में जाइए और सेलेक्ट ऑल, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, ये नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तब कीजिएगा जब आपका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त हैंग कर रहा हो, समझ रहे हैं। वैसे नॉर्मली मत कीजिएगा ये। यहाँ पे पहले तो कीजिएगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, उसके बाद डिजेबल ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम डिजेबल ऑल नहीं करेंगे क्योंकि मेरा एंटीवायरस बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो हम रहने देंगे, लेकिन हम पहले किए हैं ऐसा। तो इससे होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर है ना, जो कि मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी हम इसको इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी रन कर रहा है ना, मतलब बैकग्राउंड में तो हम नहीं करेंगे, तो इससे आपका सिस्टम कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। ये इस वीडियो से आप अपने सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, साथ में वायरस रिमूवल का भी, एक तरीके से दोनों कम्बाइंड प्रोसेस है। दूसरे बाद है इस सर्विसेज में जाके, बहुत सारे सर्विसेज को जैसे देख सकते हैं, मैनुअली सबको स्टॉप, अरे 2x नहीं भाई, 1x, हाँ देख रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉप कुछ रनिंग लिखा हुआ है। मोस्टली में आप में होगा पूरा का पूरा रनिंग होगा, लेकिन हम जो है सो कुछ को मैनुअली स्टॉप भी किए हैं, कुछ को एक्चुअली में इसमें बहुत सारा अनवांटेड चीज़ है ना, तो उसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको इतना एडवांस नॉलेज है। तो जैसे कि हम सारा का सारा मैनुअली देख रहे हैं, स्टॉप 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 है ना, तो जो चीज़ हमको नहीं चाहिए होता है हम सबको स्टॉप करके रखे हुए, ताकि भाई बेकार में जो है सो अनसंट मतलब परेशान ना करिए। क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत कम पावर का है, ईमानदारी वाली बात, 24,000 का था, 24,000 में कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब उस पर इतना सारा चीज़ रन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना सारा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, अगर रन करा लीजिएगा आप 24,000 का, तो बहुत बड़ा। तो इसमें मैनुअली हम सभी को जो है सो मैनुअली जो जो चीज़ नहीं चाहिए हमको, उस पर रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी लेके उसको डिजेबल कर चुके हैं। हमको याद नहीं है कि कौन कौन सा सर्विस क्या करता है, लेकिन बहुत पहले किए थे, तो एक तरीके से हम किए मैनुअली। और या नहीं तो अगर आप कामचोर बनना चाहते हैं इसमें, मतलब कहने का मतलब चाहते हैं कि काम आसानी से हो जाए, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं और क्या बता सकते हैं आपको इसमें, और कुछ है स्टार्टअप्स, हाँ स्टार्टअप,
इस पे एक बार देख लेते हैं। स्टार्टअप्स जो है ना, यहाँ पे स्टार्टअप्स भी होगा टास्क मैनेजर में, तो इसमें से उन सभी चीज़ों को डिजेबल कर दीजिए राइट क्लिक करके। जैसे हम बहुत सारे चीज़ों को डिजेबल किए हैं, देखिए राइट क्लिक करके, और यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा है मेरा, आपका डिजेबल आएगा। जैसे कि हम ये देखिए यहाँ पर आया, तो इस पर इन डिजेबल डिजेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसको डिजेबल कर दीजिएगा। बेसिकली याद रखिए, यहाँ पे डिजेबल करने से पहले ये बेसिकली वो ऐप्स है जो स्टार्टअप के बाद अपने आप स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा कि ये ऐप्स को आप तभी डिजेबल कीजिए जब आप मोस्टली आप यूज़ नहीं करते। अगर आप मोस्टली यूज़ करते हैं तो डिजेबल मत कीजिएगा, वरना आपका मतलब वो ऐप जो है सो रिस्टार्ट होने के बाद, रिस्टार्ट होते ही स्टार्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। ये अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस का बेसिकली आप तो या तो मैन्युअली कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है ऑटोमेटिक, अगर सेफली करना है तो एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक स्क्रिप्ट आता है बेसिकली, ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट, ठीक है। आप नेट पे पता नहीं अभी मेरा ब्राउज़र खुलेगा या नहीं, खुल गया। बैकग्राउंड में भाई एंटीवायरस रन कर रहा है ना भाई, इंटरनेट स्पीड ज़बरदस्त स्पीड है भाई, 71.98, 75.39। अभी अभी टेस्ट किया, आप पता नहीं कि आज हम इंटरनेट से कनेक्ट किए हैं, मतलब झकास तरीके से। ये रहा मेरा राउटर 4 एंटीने वाला, तो पर्सनल इंटरनेट का यही मज़ा होता है, एकदम ज़बरदस्त स्पीड को यूज़ न करें। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बंद होना भाई, एंटीवायरस बैकग्राउंड में रन करके जो है सो अभी तक 11% हुआ, लगता है सारा रात लेगा। तो हम थोड़ा सा चीटिंग भी किए हैं एक तरीके से, मतलब मोस्टली यही होता है कि हम वैसे बोले थे कि मतलब खुद से करेंगे मैनुअली, लेकिन हम मैनुअली भी किए कि उसमें बहुत सारा जो है सो टास्क मैनेजर में देखे वो सब चीज़, वो सब फाइल को डिलीट करना हम बताएंगे ना अभी, और बताना आपको है मतलब क्या क्या किए हैं, बहुत सारा चीज़ किए हैं। पता नहीं क्यों मेरा क्रोम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से स्टोरेज 100% यूज़ हो रहा है ना वो एंटीवायरस के थ्रू, तो इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एंड प्रोसेस, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट हो जाओ भाई, हाँ स्टार्ट हो गया। तो हमको यहाँ पे सर्च करना है ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट, BLACK वाइपर विंडोज 10 आ गया होगा पहले। देखिए सबसे ऊपर में blackwiper.com, ये वाला नहीं कीजिएगा, ये सब साला पता नहीं कौन आके रख दिया है, ये सब लूटने के लिए है, मतलब ब्लैक वाइपर ये सब बकवास है, ये सब जो है ना इंस्टॉल मत कीजिएगा, ये सब पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ब्लैक वाइपर और विंडोज 10 नहीं, यहाँ पे टाइप करना है ब्लैक वाइपर SCRIPT, मेरे ख्याल से वो सब जो है ना उसको को उसी स्क्रिप्ट पे ऐप ही बना दिया है, एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम बना दिया है, ताकि आप लोगों का काम और आसान हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े। तो देखिए हम ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, तो यहाँ पे गिटहब होना चाहिए, याद रखिएगा गिटहब पे होस्ट किया गया है इसको, इस प्रोग्राम्स को, तो इस गिटहब होना चाहिए। ये देखिए मैड बॉम्ब 122 यहाँ रहा, देखिए मैड बॉम्ब 122/ ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आपको गिटहब पे आना है, राइट साइड में जाना है, राइट साइड में ग्रीन के पास, यहाँ पे क्लोन और डाउनलोड है, तो यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लेंगे। देखिए हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं, मेरा इंटरनेट सुपर फास्ट है तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से डाउनलोड होगा। अरे मज़ा आ गया भाई, हो भी गया होगा, हो गया। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं कुछ KB का, उसके बाद इसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है यहीं पर, एक्सट्रैक्ट ओपन 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 विद विनजिप, इसको विनजिप से ओपन कर लेते हैं, ओपन एंटीवायरस रन कर रहा है ना इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे सिस्टम में सब कुछ ठीक है, बस एक मतलब पिछड़ जाता है वो स्टोरेज में, स्टोरेज स्पीड नहीं है उसमें। मेरे पास ब्लैक वाइपर ऐसे पहले से भी है मतलब, लेकिन आप नॉर्मली वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो मेरे पास नॉर्मली कहाँ होगा, प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर विंडोज़, इसी में कहीं पे होगा ब्लैक वाइपर, या ऊपर में है, ये रहा सबसे ऊपर में ही है, ये रहा देखिए ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट, हम बहुत पहले चलाए थे, ठीक है।
मोस्टली बहुत पहले ये रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए यूज़ इवेल्यूएशन वर्जन, मतलब ये होती है, ओपन हो जा भाई। ओपन नहीं हो रहा है, छोड़ो हटाओ, पता नहीं क्यों फाइल एक्सट्रैक्टर काम नहीं कर, चलिए इसी पे कंसंट्रेट कर रहा। सेम फाइल है, हो सकता है उसका ये इसका वो अपडेटेड वर्जन होगा, मेरे पास तो पुराना वाला है तो जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ब्लैक वाइपर विंडोज बैच फाइल पे क्लिक करके, सॉरी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना था, ये नहीं रन करेगा, डायरेक्ट क्लिक कर देना इसको सबसे ऊपर विंडोज 10 ब्लैक वाइपर जो है उस पर राइट क्लिक करके, ये सेफ है, आप कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो मतलब उतना कुछ खास मतलब नहीं लगा कि ऐसा कुछ खतरनाक है, ऐसा वैसा नहीं कुछ, बस सर्विस डिजेबल कर देता है। ब्लैक वाइपर के बारे में आपको यूट्यूब में, मेरा सिस्टम पता नहीं क्यों फंस रहा है इसके वजह से, तो आप यूट्यूब में रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट होना चाहिए। आप नॉर्मली कोई ऐप नहीं डाउनलोड कीजिएगा, वो नॉर्मली ये स्क्रिप्ट होगा फाइल्स में, और ऐसे ही सारा फाइल्स होगा, और उसी को रन कैसे करना आपको बेसिकली मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो इससे होगा कि आपका मैनुअली जो ये सर्विस है ना वो ऑटोमेटिक जो है सो अपने ढंग से जो अनवांटेड सर्विस, देखिए सर अभी खुला देख रहे हैं, इतना देर बाद खुला है। यही होता है जब आपका स्टोरेज स्लो होता है, तो चल हट बे। तो इसमें आप मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं, हम तो मैनुअली किए हैं बहुत सारा ऑटोमेटिक, और अभी इसके बाद हम और फिर से मैनुअली करेंगे क्योंकि बहुत पहले किए थे, तो अभी हम उसके बाद बहुत सारा प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, तो उसका भी सर्विसेज चेक करना है कि कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है, तो इससे एक तरीके से आपका सिस्टम फास्ट बन जाता है। दूसरा स्टार्टअप ऐप्स वाला तो बता दिए थे शायद, स्टार्टअप ऐप्स वाला शायद बता चुके थे हाँ, और चूंकि हम जो बता रहे हैं ना वो यूट्यूब पे आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा फास्ट सिस्टम कैसे करना है वो सब बहुत सारा तरीका है मतलब बताया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपको कि वही Windows+R दबाना है, और यहाँ पे टाइप करना है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, अरे फोकस, MSCONFIG, MSConfig, विंडोज़ डिफेंडर, 12% हुआ, लगता है सारा रात लगाएगा ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बूट पे देखिए, यहाँ पे ये खुल जाएगा इस तरीके का कुछ खुलेगा, तो यहाँ पे बूट पे जाना है, और यहाँ पे विंडोज 10 चूँकि OS होगा तो यहाँ पे OS दिखेगा, करंट OS, और इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे सेफ मोड बूट कर दीजिएगा, और सेफ मोड बूट में भी याद रखिएगा आप नेटवर्क के साथ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात याद रखें, सेफ मोड इनेबल कीजिएगा तो एक बात आपका वाईफाई काम नहीं करेगा, तो याद रखें आपके पास लैन कनेक्टिविटी होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी लैन कनेक्टिविटी है, तो लैन कनेक्टिविटी अगर नहीं हुआ तो फिर बकवास हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं। तो नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद उसके बाद अप्लाई कर देना है, मतलब जो कि अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा अभी ज़रूरत नहीं है सेफ मोड में। उसके बाद ये वाला तो बता चुके थे कि स्टार्टअप, ये भी बता चुके हैं, यहाँ पे डिसेबल करना है, टूल्स में क्या है अब पता नहीं, ये सब ट्रबल शूटर है, छेड़ छोड़िए हम कैंसिल कर दे। इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा, लेकिन हम नॉर्मली वायरस या फिर मतलब ये सब का बता रहे हैं, ठीक है, तो अभी उतना कवर नहीं करेंगे। उसके बाद बेसिकली आपको रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका सेफ बूट में चल जाएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि फंस जाए सेफ बूट में, मेरा हुआ था फंस गया था, तो हम फिक्स किए, बहुत देर लगा उसमें, बहुत दिमाग लगाए, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब आपको फंस जाए तो सिस्टम स्टार्ट रीस्टार्ट करने के बाद शिफ्ट सॉरी F8 दबाइएगा ना, F8 दबाते रहिएगा तो वो आता है, मतलब जिसमें कि ऑप्शंस आता है बेसिकली विंडोज 10 में, लेकिन वो मेरे में नहीं आ रहा था क्योंकि डेल के लैपटॉप में डिजेबल है वो, बेसिकली लीगेसी मोड जिसमें ऑन होता है ना ऑटोमेटिक पहले से, उसमें काम करता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था, मतलब उसका हमको बस पता है नहीं काम करता है डेल समय, उससे उसके लिए अलग से कमांड डालना पड़ता है CMD में, तो उसके बाद जाके वो बेसिकली ये क्या बोलते हैं F8 की जो है सो इनेबल होता है। अभी भी मेरे में इनेबल नहीं है, हम दूसरे तरीके से किए थे, हम बेसिकली बहुत लंबा प्रोसेस था तो उसका हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये सेफ मोड में हो जाए तो आपको ब्राउज़र खोल के आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है मालवेरा बाइट, आप मालवेयर बाइट,
आप सुने होंगे हो सकता है। देखिए मैनुअली हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि हम बहुत चीज़ मैनुअली भी किए थे, तो मैनुअली बेसिकली हर कोई नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जो किसी काम का हो, ठीक है, मतलब जो आप भी कर सके इजीली, जो हर कोई कर सके मतलब बेसिकली। तो मालवेयर बाइट से जाइएगा, बेस्ट साइबर सिक्योर पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है, ठीक है, और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में ही है, और कुछ नहीं है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, बस फ्री डाउनलोड्स कहाँ है, फ्री डाउनलोड्स, ये ऑटोमेटिक आ गया अपना, बस ये सेटअप सेव कर लेना है, उसके बाद सेटअप रन करना है, और सेटअप जब रन हो जाए तो इंस्टॉल इंस्टॉल करके बेसिकली फुल स्कैन मार देना है सेफ मोड के अंदर, ठीक है, सेफ मोड के अंदर फुल स्कैन मार देना है एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक। इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा मतलब बेसिकली डेटाबेस इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में मालवेयर बाइट का, तो आपका इंटरनेट बहुत 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 कम से कम आप रिकमेंड करेंगे 50 Mbps तो होना ही चाहिए, जैसे मेरा 75 Mbps का कनेक्शन है, आपको 50 Mbps होना ही चाहिए। एप्ट्रॉन के जो है, मतलब अगर आप एप्ट्रॉन से हैं तो एप्ट्रॉन के वाईफाई पे मत कीजिएगा क्योंकि उसका वाईफाई बकवास है, इतना स्लो चलता है कि क्या बताएं, सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन नहीं होगा। कोई किसी फास्ट वाईफाई पे जाकर कीजिएगा मालवेयर वाइट स्कैन, तो एकदम फुल मतलब ज़बरदस्त तरीके से होगा वो, बेसिकली स्पाईवेयर एडवेयर मालवेयर ये सब हटा देता है, ठीक है, मतलब हम 100% नहीं कहेंगे मगर हाँ एक तो कुछ हद तक हटा देता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि नॉर्मली आप क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको हम कैसे किए थे, मतलब सेफ मोड से, हाँ, सेफ मोड में भी बेसिकली सेफ मोड में जब रहिएगा तो विंडोज़ ऐसा ही दिखेगा मतलब, लेकिन पीछे का वॉलपेपर ऊपर हट जाएगा, नेटवर्क एडाप्टर मतलब नॉर्मली वही फंक्शंस रहेगा जो सेफ मोड में, जो विंडोज़ को रन करने के लिए काफ़ी होता है, बाकी सारा का सारा एप्स वेप्स का जो प्रोसेस होता है वो सब बंद हो रहा बंद रहता है सेफ मोड में। इवन सेफ मोड का बहुत सारा मोड्स है जिसमें दिखाते हैं हम कौन कौन सा, जैसे कि MS कॉन्फिग, लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या करें बहुत कुछ बताना है, तो MS कॉन्फिग में बूट में जाइएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे सेफ मोड का है ना, मिनिमल है, मिनिमल में नॉर्मली एकदम एकदम कम से कम चीज़ चलाएगा, अल्टरनेट सेल वाला है बेसिकली, इसमें वो CMD पता नहीं सेल सेल और CMD में क्या अंतर होता है कभी सोचे नहीं, लेकिन नॉर्मल में सेम काम करता है। उसके बाद जो भी है एक्टिव डायरेक्टरी रैप रिपेयर में आपका नेटवर्क उटवर्क कुछ नहीं रहेगा बेसिकली, इसमें आप डायरेक्टरी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद नेटवर्क, आपको ये नेटवर्क वाला सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा नेटवर्क वाला, आपको नेटवर्क चाहिए मालवेयर बाइट इंस्टॉल करने के लिए। जब मालवेयर बाइट से फुल स्कैन हो जाए तो फिर वापस उसको डिजेबल कर दीजिएगा, कहाँ गया, बंद क्यों कर दिए भाई, कॉन्फिग बूट बूट बूट, हाँ सेफ मोड को जैसे यहाँ पे ऐसे होगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा वापस, और वापस अप्लाई करके इसको रिबूट कर दे, हम कैंसिल कर देते हैं, रिबूट कीजिएगा तो वापस से रिबूट हो जाएगा। इस बार आप क्या कीजिएगा वापस से PC में जाइएगा, मतलब फिर से एक बार मालवेयर वाइट को रन करके फिर से स्कैन कर लीजिएगा दोबारा, इस बार होगा कि सेफ मोड डिजेबल होगा लेकिन कर लीजिएगा दोबारा, क्या जाता है, हम तो दोबारा किए थे। उसके बाद आपको फिर से क्या बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर खोलना है और अन इंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम पे क्लिक करके इस पर खोलना है, और इसके सबसे नीचे जाना है जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, और यहाँ से आपको मालवेयर बाइट सेलेक्ट करके उसको अन इंस्टॉल मार देना है, फुल फुल अन इंस्टॉल। याद रखें मालवेयर बाइट जब पहली बार इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको प्रीमियम का ऑप्शन देगा ट्रायल, बेसिकली एक 10 दिन का ट्रायल देता है, तो आप ले लीजिएगा, हमको दिया था 10 दिन का ट्रायल, आपका पता नहीं, तो वो आप ले लीजिएगा, उससे अच्छा होगा कि फुल डेटा वैसे आप यूज़ कर पाइएगा उसका, और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपको करना है कि देखिए मालवेयर वाइट दुनिया का बेस्ट रैंकिंग बेसिकली मालवेयर है या स्पाईवेयर रिमूवर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, नॉर्मल आदमी नहीं जानता है, लेकिन हाँ है मालवेयर वाइट। उसके बाद सेकेंड आपको करना है कि यहाँ पर टाइप करना है bitdefender.in आ रहा है, देख रहे हैं यही यही सब फेक वेबसाइट, हमको लगता है पक्का, हमको लगता है फेक वेबसाइट जो भी रहा है, या हो सकता है ओरिजिनल, हम उतना अभी रिसर्च नहीं किए, हम बिट डिफेंडर बस टाइप करेंगे गूगल या याहू पे, जो भी करें, अभी फ़िलहाल तो डिफ़ॉल्ट गूगल है लेकिन मेरा फेवरेट याहू है, तो याहू नहीं, हाँ याहू याहू ही है मेरा फेवरेट। उसके बाद चूँकि इस तरीके का खुलेगा आपको, उसके बाद जब दिखाते हैं फुल स्क्रीन वेबसाइट, अरे भाई ये खुला ना ग्लोबल लीडर इन साइबर सिक्योरिटी, देख के एकदम धांसू लग रहा है।
मोस्ट एक्सपेंसिव क्या कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अगर किसी का ये बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है विट डिफेंडर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेर एंटीवायरस को बनाता है, और सबसे बेस्ट तो विट डिफेंडर ही बनाता है, एक्सपेंसिव भी रहता है इसका थोड़ा। तो आपको यहाँ पे होम पे जाना है बेसिकली, और यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको फ्री एंटीवायरस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप यहाँ पे हम आपको रिकमेंड करेंगे यहाँ पे जाइएगा, बिट डिफेंडर बॉक्स नहीं, बिट डिफेंडर प्रीमियम क्वालिटी, करीब 4-5 हज़ार रुपया लगेगा आपको। अगर 5 हज़ार रुपया दे सकते हैं, 5-6 हज़ार मतलब यही 4-5-6 हज़ार अभी फ़िलहाल तो 5 हज़ार के आसपास दाम था, 5 हज़ार अगर आप खर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे जाइएगा ठीक है, और इंस्टॉल करके और फुल स्कैन मार दीजिएगा ठीक है। और या नहीं 5 हज़ार नहीं दे सकते हैं तो इसके फ्री फ्री एंटीवायरस पर क्लिक करके बेसिकली आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं एंटीवायरस, मतलब इसका फ्री वाला, जो कि सेटअप करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, और आप उसको भी फुल स्कैन मार दीजिएगा। मेरा फ़िलहाल 19% हुआ है ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा पता है, बिट डिफेंडर को भी अनइंस्टॉल मारिएगा, और डिफरेंट अलग अलग एंटीवायरस का फ्री वर्जन, जैसे कि हम आपको बताते हैं बेस्ट फ्री अगर एंटीवायरस का किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए किसको, किसको मिलना चाहिए, क्या था भाई, नॉर्टन था शायद, नॉर्टन था पता नहीं क्या, नॉर्टन नहीं था शायद, जो भी हो लेकिन वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग फ्री एंटीवायरस का अवार्ड मिला है नॉर्टन को, और बेस्ट पेड में मिला, अवार्ड नहीं मिला है बेसिकली रैंकिंग किया गया है, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसमें पता चलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया डेटा मतलब बढ़िया से करता है, तो नॉर्टन। और सेकंड नंबर पे अगर कोई पेड में अगर सबसे बढ़िया है तो बिट डिफेंडर, जो कि अभी हम आपको दिखाएं, और मारवेरा वाइट उसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, वो अपने आउट ऑफ द वर्ल्ड का चीज़ है ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या स्टेप रहेगा कि एक एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कीजिएगा, दूसरा एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिएगा, और ऐसे करते 4-5 एंटीवायरस जितना याद रहे, एंटीवायरस ट्रस्टेड होना चाहिए, अच्छे कंपनी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा लिए कहीं से। बहुत सारा एंटीवायरस है, क्यूखिल है, अवीरा है, बहुत सारा है, 360 है, मतलब टोटल सिक्योरिटी 360 बहुत सारा है, सबसे सबका पेड वर्जन है। अगर फ्री वर्जन मिल रहा है तो एक बार फ्री वर्जन डाउनलोड करके स्कैन मारते रहिएगा ठीक है। प्रत्येक स्कैन कनेक्ट करने के बाद एक बार ये स्टार्ट करके फिर से ऑन करके उसको अनइंस्टॉल करके फिर ये स्टार्ट करके स्कैन मारिएगा। ये प्रोसेस हो जाने के बाद मतलब क्या क्या चाहिए उसके बाद मतलब गजबे का बात हो जाएगा। उसके बाद मैनुअली आपको अगर आपको लगता है कि मिसबिहेव हो रहा है आपके सिस्टम में तो आप मैनुअली भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत कुछ किए। और ख़ासकर अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी चीज़ पे तो वो है वो सर्विसेज वाला टैब, टास्क मैनेजर में आपको दिखाए थे ना सर्विसेज, टास्क मैनेजर में पहले तो ये प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद प्रोसेस के बाद देखिए कि कौन सा प्रोसेस कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद सर्विसेज में जाइए और बहुत सारा सर्विसेज को देखिए बड़े, याद रहे सर्विसेज के साथ छेड़छाड़ करना बहुत डेंजरस भी हो सकता है, आपके सिस्टम को ले डूबेगा अगर आपको एक गलत कदम उठा दिए तो। इसलिए बेसिकली अगर आप ब्लैक वाइपर यूज़ कर रहे हो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेफ ऑप्शन रहेगा, मैनुअली ना करें। नहीं तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है थोड़ा तो कर सकते हैं, हम तो किए थे भाई, और कई बार मेरा सिस्टम क्रैश भी हुआ लेकिन उससे बहुत कुछ सीखे भी हैं, तो तभी जाके बोल रहे हैं। उसके बाद आ गया एक बात और याद रखिएगा, जब आपका सिस्टम सब कुछ ओपन हो जाए मतलब नॉर्मल हो जाए तो आपका देखिए डिस्क यूजेज मेरा 100% दिख रहा है ना, ये आपका नॉर्मली 10 से नीचे होना चाहिए, 10% से। अगर आपका सिस्टम छोड़ दीजिए ब्लैंक कुछ नहीं रन कर रहा है तो 10% से नीचे होना चाहिए। CPU यूजेज ये भी 10% से नीचे होना चाहिए, ये दिखाता है कि आपका सिस्टम हेल्दी है। नॉर्मली अगर हम सिस्टम बूट करते हैं तो मेरा जो है सो डिस्क 10% से नीचे ही होता है, कभी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे यूज़ होता रहता है, और CPU भी 1, 2, 3, 4, 5 यूज़ होता रहता है। मेमोरी तो हमेशा शुरुआत में 10% यूज़ होता है और अभी 23% है, तो इसको इधर करो भैया, हाँ तो ऐसे ही काम करता है, ये क्या CPU तो ऐसे ही काम करता है। ये सब तो हो गया कि मतलब मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया, बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वैसे हमको तो बना सकते हैं इससे भी लंबा वीडियो, क्या करें। तो ये कुछ तरीका हो गया, और मतलब बहुत सारा डिफरेंट टूल्स इंस्टॉल करने का नॉर्मली, और सभी से 19% हो गया। दूसरा बात आपको नेक्स्ट चीज़ करना चाहिए, जब सब कुछ हो जाए तो सब एंटीवायरस को अनइंस्टॉल मार दीजिएगा ठीक है, सब एंटीवायरस को अनइंस्टॉल मार दीजिएगा। उसके बाद सेटिंग्स में जाइएगा अपने उसके, और नेटवर्क्स यार नहीं यार सेटिंग्स में नहीं होगा, कंट्रोल पैनल में जाइए,
ये वाले कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी होना चाहिए, दिख रहा है क्या, कैटेगरी होना चाहिए ठीक है। और कैटेगरी के बाद उसके बाद यहाँ पे कहाँ है भाई, नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी में जाने जाने के बाद हाँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाइए और यहाँ पे फायरवॉल इनेबल कर दीजिए ठीक है। फायरवॉल इससे क्या होगा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इनेबल कर दीजिए फायरवॉल, आपको पता होगा या फायरवॉल क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप विंडो मतलब इंटरनेट पे सर्च मार लीजिए क्या होता है ठीक है। फायरवॉल इनेबल करने के बाद अभी हम क्या बताने वाले थे भाई, कुछ ज़बरदस्त बताने वाले थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, हाँ 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 भूल गए, अगर आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव है, SSD ना है, अगर हार्ड ड्राइव है, नॉर्मली SSD नहीं होता है नॉर्मली पुराने लैपटॉप्स में, तो आप किसी भी हर एक ड्राइव पे जाके मतलब जैसे सी ड्राइव है, तो पहले जब सब चीज़ हो जाए ना सब एंटीवायरस अनइंस्टॉल मार दीजिएगा और ये स्टार्ट कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिए कि कोई भी यू क्लीनर, स्लीक क्लीनर, ये क्लीनर वो क्लीनर इंस्टॉल मत कीजिएगा, पहले रिकमेंड कर देते हैं, बोल देते हैं, बाद में ये नहीं कहिएगा क्लीन किए और जो है सो धड़ल्ले रह गया मेरा PC। तो आप सी ड्राइव पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन है, वैसे ये उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा से नहीं करता है, तो ध्यान नहीं देना है मतलब ध्यान देना है मतलब, तो यहाँ से जाके आप क्लीन कर सकते हैं ठीक है। हम शॉर्ट शॉर्ट बताते हैं क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ से क्लीन कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से राइट क्लिक कीजिएगा और प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या ऑप्शन होगा भाई, टूल्स, देखिए सी ड्राइव के टूल्स में जाइएगा, टूल्स में यहाँ पे है डिफ्रेगमेंट ड्राइव ठीक है, तो इस पर ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिएगा और डिफ्रेगमेंट कर दीजिएगा, करना शुरू कर देगा, और बेसिकली ये सिर्फ सी ड्राइव पे कीजिएगा, अगर आपका बाकी में भी बहुत सारा छोटा छोटा फाइल रखे हैं मतलब समझ रहे हैं बात, अगर आपका और भी ड्राइव है लेकिन अगर उसमें सब में छोटा 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 फाइल सब रखे हुए हैं तो आप उसको भी एक बार डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि आप एक ही हार्ड ड्राइव में बहुत सारा फाइल रखिएगा ना और उसको ओपन कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है ना ये प्रोसेस पर ग्रीन हो जाता है और थोड़ा लोड लेने में टाइम लगता है, तो वो डिफ्रेगमेंट कीजिएगा तो उसके बाद थोड़ा कम टाइम लगेगा ठीक है। ये बता दिए और क्या क्या हो सकता है।